पूर्व कि वो असुर सेना जीवित होकर सर्वत्र विनाश करे, आपको उन त्रिपुरासुर का वध करना ही होगा पिताश्री। जिनके मुख पर सदा मेरा ही नाम रहता है, अपने उन अनन्य भक्तों पर मैं अपने अस्त्र कैसे उठा पाऊंगा गणेश? पंचभूत और त्रिपुर तत्वों से बनी असुर सेना अब तैयार है। इसमें प्राण फूके जाने के लिए यज्ञ की अग्नि को और शक्ति देनी होगी, किंतु इसके लिए मुझे और हवन सामग्री और घृत की आवश्यकता होगी। शीघ्र जाओ, लेकर आओ ये सामग्री। हमने यदि यज्ञ में बाधा डाली तो गुरु शुक्राचार्य का ध्यान आकृष्ट होगा और वो उस विघ्न को दूर करने का कोई उपाय सोच लेंगे, किंतु हम उसके पूर्ण होने में विलंब तो अवश्य उत्पन्न करवा सकते हैं। ये हमें सेवकों के वहाँ पहुँचने से पूर्व ही उस स्थान पर पहुँचना होगा जहाँ हवन सामग्री और घृत का भंडार है। चलिए मूषक जी, जिस ओर वो सेवक जा रहे हैं भंडार गृह भी अवश्य उसी ओर होगा। ओम नमो 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 स्वाहा। ओम नमो 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 स्वाहा। सुरंग में है हवन सामग्री, मुझे तत्काल कोई उपाय करना होगा ताकि असुर सैनिक वहां तक पहुंच ही ना सके। हाँ, ये उपाय तो अच्छा है। सुन जी, अब हमें जो करना है उसके लिए थोड़ा समय मिल गया। हाँ प्रभु। मूषक जी, शीघ्र चलिए भंडार के भीतर। प्रभु, यहाँ हवन सामग्री और घृत तो इतनी अधिक मात्रा में है। हाँ, जितना बड़ा षड्यंत्र तैयारी भी उतनी ही विशाल है, किंतु अब समय आ गया है विघ्नकर्ता के रूप में विघ्न डालने का। मूषक जी, वे असुर सेवक यहाँ पहुँचे उसके पूर्व इस सामग्री और घृत को समाप्त करना होगा हमें। हाँ हाँ प्रभु। मूषक जी, आप सामग्री नष्ट कीजिए, मैं घृत का उपाय करता हूँ। हाँ प्रभु, आरंभ करते हैं। हवन किए जो शुक्राचार्य आयोजित, जिससे हो देव नष्ट जग का हो अहित। विघ्नकर्ता की भूमिका गजानन निभाए, सामग्री यज्ञ की सब मूस संग खाए। शीघ्रता करो, गुरुदेव प्रतीक्षा कर रहे हैं, शीघ्र चलो। हाँ हाँ मूषक जी, सारी सामग्री नष्ट कर दीजिए। असुरों के गुरु शुक्राचार्यों को प्रतीक्षा कराना उचित नहीं है, आगे बढ़ो। शीघ्रता कीजिए मूषक जी, असुर सेवक किसी भी क्षण यहाँ पहुँच जाएंगे।
क्या हो गया? सारी सामग्री और भेद कहां लुप्त हो गए? गुरु शुक्राचार्य को ज्ञात हुआ तो उनका क्रोध हमें भस्म कर देगा। किंतु किसने किया ये दुस्साहस? गया कहां? ये तो अच्छा हुआ प्रभु, यहाँ उन सेवकों ने भंडार में प्रवेश किया और वहाँ हम निकल गए। अब तो वो इसी विचार में होंगे कि सामग्री और घृत को किसने नष्ट किया। हाँ मूषक जी। तो आइए मूषक जी, हम असुरों के इस अधर्म कार्य में थोड़ा और विघ्न उत्पन्न कर देते हैं। हाँ प्रभु, क्यों नहीं। अब ये कवच गुफा में समाहित होने वाले तत्वों की शक्तियों को रोकेगी। आगे बढ़िए मूषक जी। प्रतीत होता है प्रथम पूज्य श्री गणेश अपने प्रयास में सफल हुए, हमारी ऊर्जा लौट रही है। हाँ देवराज, पंच तत्वों का प्रवाह क्षीण क्यों पड़ गया? प्रतीत होता है कि कोई मेरे कार्य में विघ्न डालने का प्रयत्न कर रहा है, अन्यथा मेरे कार्य की गति कम कैसे हो रही है? ओम ब्रह्म 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 स्वाहा। नहीं, हवन सामग्री समाप्त नहीं हो सकती। मैंने अपने सेवकों को सामग्री और घृत लाने के लिए भेजा था, इतना विलंब क्यों कर रहे हैं वो? अभी तक सभी स्तंभित हैं। मैं पुनः अपने स्थान पर बैठ जाता हूँ और इनका स्तंभन तोड़ता हूँ। क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? लड्डू खिलाइए ना। जी महादेव पुत्र, मैं वही करने का प्रयत्न कर रहा था। बस पर्याप्त है। क्या प्रभु, हम तो आपको लड्डू खिला ही ना सके, आपका तो एक ही लड्डू में उधर भर गया। इसका कारण भी आप कुछ ही समय में जान जाएंगे, जब आपको ज्ञात होगा कि आज कितने घृत का पान किया है मैंने। रुकिए, आप दोनों अपने हृदय को छोटा मत कीजिए। जो लड्डू तारकाक्षी ने मुझे खिलाया वो आप सबके इतने श्रद्धा और भक्ति से पूर्ण था कि उसी से मेरा उदर भर गया। आप इन शेष लड्डुओं को त्रिपुर में प्रसाद के रूप में बंटवा दीजिएगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। अब आप मुझे अनुमति दीजिए। इतनी शीघ्रता तो भी क्या है, आपकी सेवा का हमें थोड़ा और अवसर दीजिए। वो अवसर शीघ्र प्राप्त होगा आपको, किंतु अभी तो मुझे जाकर पिताश्री को आपकी भक्ति और सेवा से अवगत कराना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से हमारी प्रार्थना स्वयं महादेव तक पहुंच जाएगी। आइए। हमें अपने सानिध्य का सौभाग्य प्रदान करने के लिए शत शत नमन प्रभु।
हमारे पुत्र का अचानक यहाँ पर आगमन और उतनी ही शीघ्रता से प्रस्थान, क्यों? संभव है भ्राताओं, ये उन दुष्ट देवताओं का कोई छल हो। भ्राताश्री, कहीं यहाँ आकर हमारा उद्देश्य तो ज्ञात नहीं कर लिया महादेव पुत्र ने? तुम दोनों शीघ्र जाओ और जाकर देखो कि आचार्य शुक्राचार्य का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं। अब हमारे वास्तविक प्रयोजन में और विलंब नहीं होना चाहिए। बहुत प्रतीक्षा की है इस दिवस की, अब और नहीं। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माँ। पिताश्री, त्रिपुर में आपके भक्तों से मेरी भेंट हुई और मुझे विश्वास है कि तुमने वहाँ कुछ भी अनुचित नहीं पाया। पिताश्री को केवल बोलकर नहीं, किसी अन्य प्रकार से समझाना होगा कि त्रिपुरासुर की वास्तविकता क्या है और वहाँ क्या चल रहा है, किंतु कैसे? मिल गई युक्ति। अवश्य पिताश्री, आपका विश्वास उचित है। अनुचित का तो लेश मात्र भी नहीं था वहाँ, किंतु मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। पिताश्री, माँ मेरे साथ आइए ना। देखिए ना, कितना कोमल, कितना सुंदर स्वर है इस कोयल का। हाँ माँ, किंतु अपने मधुर स्वर से सबका मन मोहने वाली इस कोयल के पंजे पर भी एक दृष्टि डालकर देखिए। कभी कभी कोमलता के पीछे अपनी क्रूरता छिपाने वाले, अपने ऊपर पवित्रता और धार्मिकता का ढोंग रचते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं, किंतु उनके भीतर कुटिलता छिपी होती है। हमें कोयल के निकट लाने का तुम्हारा आशय मैं समझ गया पुत्र, कि इस कोयल के समान त्रिपुरासुर भी दोहरा चरित्र रखते हैं। हाँ पिताश्री, त्रिपुरासुर आपकी भक्ति अवश्य करते हैं, किंतु उनकी भक्ति के पीछे ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव नहीं, अपितु ईश्वर से निरंतर कुछ प्राप्ति की लालसा है। पिताश्री, वो दिवस रात्रि आपकी पूजा करते हैं, जिससे आप उनका वध ना करें। ब्रह्मदेव को तपस्या से प्रसन्न कर उन्होंने त्रिपुर वरदान में मांगा, जहां देवता भी अनुमति के बिना प्रवेश ना कर सके, जिसका लाभ उठाकर वो वहां देवताओं, महाभूतों और त्रिपुर के अंशों से ऐसी अपराजय सेना उत्पन्न कर रहे हैं, जिसे तब तक नष्ट नहीं किया जा सकता जब तक त्रिपुर का विनाश ना हो। गणेश उचित कह रहा है। हाँ माँ, गुरु शुक्राचार्य की निगरानी में उन्होंने त्रिलोक पर असुरों का अधिपत्य स्थापित करने का कुचक्र रचा है। इससे पूर्व कि वो असुर सेना जीवित होकर सर्वत्र विनाश करे, आपको उन त्रिपुरासुर का वध करना ही होगा पिताश्री। मुझे दिखाई दे रहा है, त्रिपुर का नाश करने के लिए जो अनिवार्य स्थिति है वो अभी उत्पन्न हो रही है। स्वामी, यदि अभी आपने विलंब किया तो अगले सहस्त्र वर्षों तक त्रिपुर का नाश असंभव है। सहस्त्र वर्षों तक असंभव हो जाएगा, वो क्यों माँ? पुत्र,
जब ब्रह्मदेव ने त्रिपुरासुरों को सहजता से वरदान दे दिया तो उन्होंने ब्रह्मदेव से कुछ और भी मांगा। प्रभु, मेरे भ्राताओं की इच्छा अनुसार हमें त्रिपुर का वरदान देने की कृपा कर। आपने हमें कृतार्थ किया, किंतु मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूं। मेरी एक इच्छा अभिशेष है, उसे भी पूर्ण करने की कृपा करें। कहो वत्स कमलाक्ष, क्या चाहते हो तुम? प्रभु, मेरे भ्राता की इच्छा अनुसार मात्र महादेव ही त्रिपुर का नाश कर सकते हैं, किंतु तब सहस्त्र वर्षों में हमारे त्रिपुर के तीनों पुर एक सीधी रेखा में स्थिर हो। और जब शिवजी अपने एक ही बाण में हमारे तीनों पुरों पर प्रहार करें, जो बाण बाण ना हो और वो बाण उस धनुष से चले, जो धनुष धनुष ना हो और महादेव ऐसा उस रथ पर आरूढ़ होकर करे, जो रथ रथ ही ना हो। प्रभु, मात्र इसी अवस्था में त्रिपुर और हमारा विनाश संभव हो। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। अर्थात यही उचित अवसर है उनके विनाश का, अन्यथा त्रिलोक पर उनका आधिपत्य स्थापित हो जाएगा और सर्वत्र अधर्म का अंधकार छा जाएगा। जिनके मुख पर सदा मेरा ही नाम रहता है, अपने उन अनन्य भक्तों पर मैं अपने अस्त्र कैसे उठा पाऊंगा? गणेश, किंतु आपके वो भक्त तो संपूर्ण संसार का अहित करने की योजना बना रहे हैं पिताश्री। आपके प्रति उनकी भक्ति ढाल बनकर उनकी रक्षा कर रही है, किंतु उनकी भक्ति की ढाल इतनी भी बलवान नहीं है पिताश्री। पुत्र, तुम्हें जो भी उपाय करना है शीघ्र करना होगा, क्योंकि त्रिपुर अब एक सीधी रेखा में शीघ्र आने वाले हैं, और जितनी शीघ्र वो उस रेखा में आएंगे उतनी ही शीघ्र उस रेखा से बाहर भी चले जाएंगे। तुम्हारे पास कुछ ही पहर का समय है। माँ, मुझे ज्ञात है समय कम है। धर्म परायण जनों का विघ्न हरता हूँ तो अधर्मियों और पापियों का विघ्न करता भी तो हूँ। कोई अनिष्ट नहीं होने दूंगा मैं, किंतु उसके लिए मुझे मामा जी की सहायता चाहिए होगी। ये कैसा विघ्न है? अकस्मात ये अवरोध कैसे उत्पन्न हुआ? नहीं, मैं अपनी असुर सेना का निर्माण करके ही रहूंगा, और इसके लिए मैं अपनी समस्त आसुरी शक्तियों का आवाहन कर इस कार्य को पूर्ण और सफल करूंगा। ऊर्जा पुनः क्षीण हो रही, अर्थात संकट अभी ढला नहीं। हाँ इंद्रदेव। अपनी रक्त की आहुति देकर भी इस यज्ञ की अग्नि को बढ़ाने की आवश्यकता होती तो वो भी करता मैं, किंतु अपनी असुर सेना और इस यज्ञ पर आज कदापि नहीं आने देता। त्रिपुर की एक रेखा में आने के पूर्व इस असुर सेना को जीवित करूंगा, फिर त्रिपुर का कोई विनाश नहीं कर सकेगा।
हर हर महादेव। हमें शीघ्र त्रिपुरासुर को रोकना होगा, इससे पूर्व कि त्रिपुर सीधी रेखा में आकर सर्वत्र विनाश का कारण बने। बाहरी आवरण को देखकर भीतर की सच्चाई को ज्ञात नहीं किया जा सकता, व्यक्ति को आवरण के भीतर छुपी सच्चाई को जानने का प्रयास करना चाहिए। गणेश बन रहा है विघ्नकर्ता, देवताओं पर असुरों का अधिपत्य स्थापित करने की हमारी गुप्त योजना ज्ञात है उसे। पिताश्री, अब शीघ्र सत्य आपके समक्ष आ जाएगा, जब त्रिपुरासुर द्वारा आपकी झूठी भक्ति समाप्त होगी। इस हफ्ते देखिए त्रिपुरासुर के संकट से सभी देवों को कैसे मुक्त कराया श्री गणेश ने।